दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बता रही हूँ जिसके फ़ायदे से शायद आप अनजान होंगे। अरबी की सब्ज़ी हम सभी बड़े शौक से खाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। लेकिन दोस्तों, अरबी ना सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन है बल्कि इसके औषधीय गुण सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। खास करके अरबी के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्ज़ी लोगों को बहुत पसंद आती है और अरबी के पत्ते के पकौड़े भी बना करके खाए जाते हैं। अरबी के पत्तों में स्वाद के साथ साथ पौष्टिक तत्व भी होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये अरबी के पत्ते हैं जो कि आपको किसी भी सब्ज़ी मार्केट में आराम से इस तरह से मुड़े हुए मिलते हैं। आप चाहें तो अगर आपके आसपास कहीं बगीचे में अरबी के पत्ते लगे हैं तो वहाँ से आप फ्रेश पत्ते भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में अरबी के पत्ते को एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फायदा करते हैं। इससे आप शरीर की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अरबी के पत्तों का क्या क्या फ़ायदा है और इसको आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करते हैं अरबी के पत्ते। दोस्तों, अरबी के पत्ते जो होते हैं वो आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं, आपके पेट को स्वस्थ रखते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, एसिडिटी रहती है, पेट संबंधी विकार रहते हैं तो आप क्या करें, अरबी के पत्तों को पानी में उबाल लें और इस पानी में थोड़ा सा घी मिला करके 3 दिनों तक कम से कम दिन में 2 बार लें। इससे आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा, आपका पाचन बेहतर होगा, आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी, पेट फूलने की समस्या दूर होगी, एसिडिटी अपच की समस्या इससे दूर होगी। आँखों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है अरबी के पत्ते क्योंकि दोस्तों, इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, आँखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर है, आँखों पर चश्मा लगा है, ठीक से आपको दिखाई नहीं देता है तो रोज़ाना अरबी के एक पत्ते का सेवन करें। इससे आपकी आँखों की कमज़ोरी दूर होती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। आप क्या करें दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके खाली पेट एक अरबी के पत्ते को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, अच्छे से उसको धो लें जिससे कि उसकी गंदगी, उसकी सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए। उसके बाद आप अरबी के पत्तों को पानी में डाल करके उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लें, उबाल लें। कच्चे अरबी के पत्तों को बिल्कुल ना चबाएं क्योंकि कच्चे अरबी के पत्ते चबाने से आपको जीभ पर जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है या फिर एलर्जी भी हो सकती है। तो कच्चे अरबी के पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, उनको धो करके उनको अच्छे तरीके से उबाल लें और उबालने के बाद में चाहे तो उनकी सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं या फिर हमाम दस्ते में उनको पीस करके आप उसकी चटनी बना लें और उसको आप इस तरह से भी खा सकते हैं, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें। तो इस तरह से आप अरबी के पत्तों को खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें होता है भरपूर कैल्शियम जो कि आपकी हड्डियों को स्वस्थ बनाता है। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, कंधे में बहुत अधिक परेशानी रहती है, बहुत अधिक दर्द रहता है और ये बड़ी उम्र में ही नहीं बल्कि छोटी उम्र में भी आजकल जोड़ों का, घुटनों का दर्द, शरीर की कमज़ोरी आम बात हो गई है। तो आप अरबी के पत्ते खाते हैं ना दोस्तों, तो इससे आपकी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जोड़ों घुटनों का दर्द दूर होता है। दोस्तों, पहले दिन से ही आप फायदा महसूस करेंगे, आप अरबी के पत्तों का सेवन करके देखें, पहले ही दिन से आपको शरीर में ताजगी और ताकत महसूस होगी। पिसे हुए अरबी के पत्तों को हल्के गुनगुने पानी में डाल करके भी आप इसको ले सकते हैं। अरबी के पत्तों को भी चबा करके खा लें और साथ में इसका पानी भी पी लें। जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा, घुटनों की परेशानी दूर होगी, शरीर की कमज़ोरी इससे दूर होती है। कमर का दर्द, पीठ का दर्द, कमज़ोर हड्डियों की परेशानी दूर करते हैं अरबी के पत्तों का सेवन। दोस्तों, इन पत्तों का आप काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि मैंने पानी में पत्तों को डाल दिया है, इसको आप गैस पर रख करके अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ दें। जब ये पानी आधी मात्रा में रह जाए तो उसमें गुड़ मिला करके पिए। हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं अरबी के पत्ते। जिन लोगों को दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, कमज़ोरी बहुत अधिक महसूस होती है, तो अरबी के पत्तों का काढ़ा बना करके रोज़ाना पिए। इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है और शरीर में ताकत भी महसूस होती है।
चाहें तो अरबी के पत्तों को आप सब्ज़ी बना करके भी खा सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप अरबी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। अरबी के पत्ते आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, हाई बीपी की समस्या को दूर करते हैं और आपके जोड़ों घुटनों के दर्द से भी आराम देते हैं। दोस्तों, बालों के लिए भी अरबी के पत्ते बहुत अधिक फ़ायदा करते हैं। अगर आपके बालों में बहुत अधिक समस्या है, बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों का बढ़ना नहीं हो पाता है, तो अरबी के पत्तों का प्रयोग आप किस तरह से करें। आप एक अरबी का पत्ता ले लें, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसको हमाम दस्ते में पीस लें। चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छे से इसको पीस लें ताकि इसका रस हम प्रयोग कर सकें। बालों के लिए इसका जो रस होता है वो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। बालों की जड़ों में आप इस रस से मसाज करें, आप खुद ही अंतर महसूस करेंगे। दोस्तों, आपके सर में डैंड्रफ की समस्या है, खुजली की समस्या है, बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो अरबी के पत्तों का रस बालों में लगाएं, आपको तुरंत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। सफ़ेद बालों की समस्या दूर होगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। कुछ दिनों तक दोस्तों आप ये उपाय करके देखें, आपके बाल इतने ज़्यादा चमकदार, इतने हेल्दी हो जाएंगे कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, अरबी का पत्ते वज़न कम करने के लिए भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। एक ग्लास पानी ले लें और इसमें एक अरबी के पत्ते को धो करके और तोड़ करके इसमें मिला दें। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके अरबी के पत्तों को पानी में मिला दें। एक या दो अरबी के पत्ते आपको पानी में मिलाने हैं और इसको उबाल करके इसका काढ़ा तैयार कर लें। जब ये पानी आधी मात्रा में रह जाए तब आपको इसका प्रयोग करना है। अच्छे से इसको गर्म कर लें, अच्छा इसको उबाल लें ताकि इसके जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं वो पानी के अंदर आ जाएं। जिस तरह से आप काढ़ा बनाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे तैयार करना है। पानी की मात्रा आधी रह जाए तब तक आप इसको बॉयल कर लें। वज़न को, मोटापे को कम करते हैं अरबी के पत्ते। दोस्तों, ये काढ़े का आप सेवन करेंगे ना तो आपके शरीर की जमा चर्बी मोम की तरह से पिघलने लगेगी। की हड्डियों को मजबूत करता है ये काढ़ा, आपकी आँखों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का वज़न बहुत अधिक रहता है, पेट फूला रहता है, पानी की मात्रा पेट में काफ़ी रहती है, वाटर वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो अरबी के पत्तों का काढ़ा आप ज़रूर बना करके पिए, तो इससे आपका मोटापा भी कम होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाएगा। तो अरबी के पत्तों का सेवन आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है। तो ये हमारा काढ़ा बनकर के तैयार हो चुका है, अब हम इसको छान लेते हैं। गरम गरम आप इस पानी को पिएं। दोस्तों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो गरम गरम इस पानी को पिएं तो आपके शरीर को ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। चाहे तो आप इसमें एक चम्मच शहद मिला लें, लेकिन दोस्तों शहद मिला रहे हैं तो इसको हल्का, इसका टेम्परेचर डाउन होने दें, उसके बाद इसमें शहद मिलाएं। ज़्यादा गर्म पानी में शहद मिला करके ना पिए। सुबह सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही अधिक अच्छा होगा। और अगर आप सुबह नहीं कर सकते, सुबह आपको समय नहीं होता है, तो रात के समय आप इसको लें। जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद एक से डेढ़ घंटे के गैप में आप इसको ले सकते हैं। आपको इससे नींद भी अच्छी आएगी, आपका तनाव भी दूर होगा और आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, पुरुषों के लिए भी अरबी के पत्तों का सेवन बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। अरबी के पत्ते वीर्यवर्धक होते हैं, अरबी के पत्तों से शरीर हुष्ट पुष्ट बनता है, शारीरिक बल मिलता है। अरबी के पत्तों का जिस तरह से हमने काढ़ा बनाया है उसी तरह से आपको काढ़ा बनाना है और काढ़े में थोड़ा सा नमक मिला करके पीना है। इससे नपुंसकता दूर होती है और पुरुषों की शक्ति बढ़ती है। तो आज से ही दोस्तों इस खास जड़ी बूटी का आप ज़रूर प्रयोग करके देखें और इसके फ़ायदों से लाभ उठाएं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।